नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महत बजे टेक्निकल में। दोस्तों मैं बताऊं, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम एक ऐसी वीडियो आ रही होगी जो थोड़ी अजीब सी है। अजीब से इसलिए कहूंगा, हमेशा आप वॉइस ओवर सुनते हैं या बाहर कभी मेरी वीडियोस देखी, कभी मैंने अपना ट्यूशन लाइफ नहीं शेयर किया, तो आज मैं कर ही लेता हूं आपके सामने। तकरीबन 1.5 साल हो गए और लक्ष्य मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे स्टूडेंट रहे। लक्ष्य कब हमने लाइक 11th 12th करी? 11th हमने की थी 2013 में। ग्रेट 13 और 14 में मैंने लक्ष्य को पढ़ाया था, 11th एंड 12th। और लक्ष्य के 12th में CBSE बोर्ड में कितने मार्क्स थे लक्ष्य? 98। ग्रेट। तो मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट अभी जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन पास करके नए सेशन में आए हैं, उनको यार एक ग्रेट मोटिवेशन मिलनी चाहिए। मैं बताऊं, एक टीचर ना बहुत कहानियां बक देता है कि तुम ऐसे पढ़ो, वो पढ़ो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन स्टूडेंट एक बता सकता है जिसने 98 लेके आया। भाई समझ रहे हो, 98 भाई, 100 में सिर्फ 2 कम होते हैं और ये बहुत मैटर करता है। तो लक्ष्य, मैं चाहता हूँ ज्यादा ना बोलूं, लक्ष्य तुम बताओ कि लाइक तुमने किस तरीके से अपनी पढ़ाई करी जिसे तुम 98 लेके आए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत लोगों ने ये बोला हुआ है कि बहुत टफ होती है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको कहीं कहीं तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बुक सॉल्व करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जस्ट कीप इट सिंपल। आप दिन में 4 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट, उस जो आपको आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ता है। एंड अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आ गया, एक बार आपने देख लिया उस कॉन्सेप्ट को, तो आप एक बुक करो या 100 बुक करो, कोई उसमें मैटर नहीं करता। ग्रेट। लक्ष्य, मैं जैसे आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे कहते हैं यार स्टार्टिंग से, अभी तो हमने अभी नया नया कोर्स करा है, तो लाइक अभी थोड़ा सा घूम लेते हैं मस्ती, ठीक है 10-20 दिन निकाल दिए, क्या लगते हो कि लाइक एंड में ज्यादा पढ़ना चाहिए या स्टार्टिंग से ही अपना बना के रखें कि प्रॉब्लम ना हो? करना तो स्टार्टिंग से ही होता है। आपने कैसे किया था अपने टाइम? मैंने एक्चुअली इसको शुरू से ही थोड़ा थोड़ा लेके चला था कि अगर आपको मन नहीं कर रहा तो सिर्फ आधा घंटा आपने वो चैप्टर रीड कर लिया, उसको एक आपने आई स्कैन कर लिया कि इस पे, इस चैप्टर में ये चीजें थी। फिर आपको अगर मन नहीं कर रहा कि अगर आप उसको सॉल्व करना चाहो तो आप बस उसको देख लो, आप फिर जब आपका मन करेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अभी कहना चाहते हैं कि भाई एंड टाइम में आके बहुत ज्यादा, मतलब 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, है। उसको आप कट ऑफ करने के लिए आप शुरू से ही 15-15 मिनट या हर रोज आधा आधा घंटा लेके चलिए, उसको आप थोड़ा पढ़ाइए। सब्जेक्ट वाइज कह रहे हैं आप? मतलब अगर स्टार्टिंग से ही मुझे पढ़ना हो, लाइक मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैंने स्टार्टिंग से मेरा स्कोर है कि मुझे भी 98 लाऊं मैं आपकी तरह, तो लाइक क्या प्लान रहे कि स्टार्टिंग से 3 घंटा, ठीक है सब 3-4-5 घंटे एक एवरेज, या डिपेंड? एवरेज इज 3 आवर्स एक एवरेज लेके चलिए, क्योंकि बोर्ड टाइम में आपको प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। जनवरी फरवरी मार्च में तो चलो पेपर्स ही होते हैं, लेकिन जैन फेब में आपको बहुत प्रेशर हो जाता है कि आपके पास एग्जामिनेशन है, प्री बोर्ड है, एंड आपके पास प्रोजेक्ट भी देना है, एंड 5-6 सब्जेक्ट्स आपके पास खुल जाते हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप हर एक चैप्टर को उस स्पीड से आप गो थ्रू करें जिस स्पीड से आप अक्टूबर से दिसंबर तक आप करते हैं। तो मेन होता है कि आपका, लोग कहते हैं कि जैन और फेब मेन टाइम होता है, लेकिन मेरे लिए जो मेन टाइम था वो था अगस्त से लेके दिसंबर तक। ग्रेट। जब हमारे पास टाइम ज्यादा होता है एंड प्रेशर कम होता है, क्योंकि एक बार जब प्रेशर आ जाता है तो उसके बाद बहुत ही ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो मेन आपका अगस्त से दिसंबर तक होना चाहिए, जब आपके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म चल रहे हैं। मैं बताऊं, आई थिंक ये कहते हैं ना कि बहुत छोटी बात थी, लेकिन आज तक मैंने चैनल पे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने सुनी होगी कि मैंने कभी ये कहा हो कि ये टाइम नहीं, ये टाइम में पढ़ो। बेस्ट वे बताया कि लाइक जनवरी और फरवरी नहीं, तुम्हें अगस्त से दिसंबर तक पढ़ना है। मुझे लगता है यार ये सबको मेंटेन करना चाहिए, 50-60 नहीं भाई, कितने 98, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा लक्ष्य के साथ हम लोग अभी कितने टाइम, मुझे तो भूल भी गया कि मैंने लक्ष्य को कौन से ईयर में पढ़ाया था, कितना, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। 2013। ग्रेट। तो 13 में 12th किया आपने? 2013 में 11th किया, 2014 में 11th मैंने पास किया, 2015 में मैंने 12th पास किया। हाँ, मतलब लाइक सर यही बैठे सर, 14 से 18 4 साल हो गए, और 4 सालों में लक्ष्य में हम एक दो बार बीच में मिले, लाइक अभी सीए लक्ष्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। लाइक मैं खुद बिजी रहता हूँ और ये भी क्लासेस में बिजी रहते हैं, फोन पे हमारी बात होती रहती थी, और मैं, मेरा एक दिल इच्छा थी कि यार जब भी मैं आऊँ तो लक्ष्य से एक बुलवाऊँ जरूर कि किस तरीके से आप 98 लेके आए। क्योंकि मैं बताऊँ, मैं भी लक्ष्य को पढ़ाता था, और ऐसा नहीं है कि लक्ष्य ने किताब उठाई और दिन भर किताब में लगा रहा, मैं घर आऊँ तो सिर्फ चश्मे लगे और लक्ष्य बुक में लगा हुआ, नहीं, कूल रहता था। अब आप, मैं आपकी बॉडी देख रहा हूँ, लाइक एकदम कूल टाइप रहता था ये हमेशा, और कभी ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ाकू टाइप, कूल रहा।
तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा, लक्ष्य ने जो कहा आई थिंक बेस्ट वे था कि भाई स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलो, जैन से लेके फेब तक काम मत करो, वो अगस्त से दिसंबर वाला जो है वो बेस्ट टाइम है। और आई थिंक मुझे लगता है ये बेस्ट टिप्स है आप सबके लिए कि किस तरीके से आप 90 और 95 से ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि लक्ष्य और हमने काफी कुछ मस्ती करी 12th में और मैं तो अभी भी इस फील्ड में हूँ और लगा रहूंगा। कहते हैं ना कि एक कम्युनिकेशन गैप है कि मैं लक्ष्य को 12th में पढ़ाया, लक्ष्य ग्रेजुएशन में आ गए तो ये चीज चलती रहेगी और फिर कभी मुझसे भी आगे निकल जाएंगे और ये कोई जनरेशन गैप नहीं है, हमेशा बरकरार रहती है। तो थैंक यू सो मच लक्ष्य, आपने ये टिप्स शेयर करा हमारे चैनल पे आके, और आई एम श्योर ऐसे बच्चे जो और भी हैं, मैं मुझे मिल नहीं पाता टाइम कि और भी टॉपर्स हैं उन सबसे मैं मिलवाऊंगा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि लक्ष्य आप इस चैनल पे आए। थैंक यू सो मच लक्ष्य कि आपने इतने अच्छे टिप्स दिए बच्चों को, और जो भी आपके डाउट्स है प्लीज कमेंट में करिए और मैं चाहूंगा कि लक्ष्य उसको रिप्लाई करे एक दो बच्चों को, एक्चुअली टाइम तो रहता नहीं है, सीए के बच्चों को पता ही आपको क्या हाल रहता है, लेकिन लक्ष्य जरूर रिप्लाई करेंगे उन एक दो बच्चों को जो जिनके ज्यादा सीरियस डाउट होंगे। थैंक यू सो मच लक्ष्य कि आप यहाँ पे, थैंक यू सो मच दोस्त, बाय।